मैं उसको मैसेज करके बोल देता हूँ, वो तब तक हमारे लिए गन का जुगाड़ करके रखेगा। हम्म, गई क्या बात रेड कमांडर? क्या बोला उस गन डीलर ने? हाँ, मैंने मैसेज कर दिया उसे। वो बोल रहा है कि कल मिल जाएंगे हथियार, 3 लाख यूसी लगेंगे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे उसको 3 लाख यूसी भी। हमें हमारे हथियार टाइम से मिल जाने चाहिए, उससे पहले कि वो हमारी गोभी खोद दें। या। चलो उसके अड्डे पर चलकर उससे बात करते हैं और हथियार भी उठा लाएंगे साथ में। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। चलो फिर बैठो गाड़ी में। ए, गाड़ी रोको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हमें ब्रोकर से मिलना है, हमने उसे एक गन का ऑर्डर दिया था। साला, ये ब्रोकर गन डीलर है या कोई वीआईपी? ओए, क्या बोला रे तू? अरे, कुछ नहीं प्रभु, मैं भला आपके सामने कुछ बोल सकता हूँ क्या? चल ठीक है, जाओ और मिल लो। अरे है कहाँ ये ब्रोकर, कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है, हर तरफ तो इसके बंदे खड़े हैं। अबे गोबर, सही कह रहा है तू, साला ऐसा लग रहा है हम लोग यहाँ हथियार खरीदने नहीं, किसी की फिरौती देने आए हैं, कच्चा फाड़ के। ए, च, 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 अबे ऊपर देखो सालो, वो है ब्रोकर। आइए जनाब, आइए, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। अरे ब्रोकर, वो जो 8-10 पेटियों का जो ऑर्डर दिया था ना हथियारों का, वो हमने दिया था तो इसलिए चले आए हथियार लेने। अच्छा, वो ऑर्डर तुम लोगों ने दिया था? अभी तक इतना बड़ा ऑर्डर किसी ने नहीं दिया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इतने सारे हथियार मंगवाने में। अरे पर हमको तो हथियार जल्दी चाहिए, इसलिए तो हम लोग अभी इधर आए। अरे भाई, इतना बड़ा ऑर्डर आज तक किसी ने नहीं दिया, इसलिए हमने कभी इतने ज्यादा हथियार नहीं रखे अपने स्टॉक में। पर एक बात बताओ पहले, ऐसा कौन सा वर्ल्ड वार लड़ने जा रहे हो भाई, जिसके लिए तुम तीनों को इतने सारे हथियार चाहिए? अरे कुछ ऐसा ही समझ ले भाई, वर्ल्ड वार ही होने वाली है, और तू आम खाने से मतलब रखना, गुठलियां काहे को गिन रहा है, कच्चा फाड़ के। अरे नहीं, शांत हो जाओ, नए मेहमान है अपने, और मेहमान तो भगवान के समान होते हैं। अरे गन नीचे कर लो रे। अरे भाई, तोल मोल की बात ये है, अभी के लिए ये कुछ हथियार है, तुम इन्हें ले जा सकते हो, बाकी के सारे हथियार कल तक तुम्हारे एड्रेस पर मिल जाएंगे। ये हुई ना बात, फिर ठीक है ब्रोकर भाई, मैंने 1.5 लाख यूसी तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए, बाकी के यूसी सारे हथियार मिल जाने के बाद तुम्हें मिल जाएंगे। ओके, ठीक है भाई, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है, ये खबर तो केकड़ा बोस को देनी ही पड़ेगी रे। We'll be right back.
मालिक 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 मालिक, केकड़ा बोस की जय हो, केकड़ा बोस की जय हो, मालिक मालिक केकड़ा की जय। आओ डक डिट्टी, आओ ब्रोकर आओ, बताओ क्या खबर लाए हो और हमारे हथियार अभी तक क्यों नहीं पहुंचे बे, डक चिक डक चिक डा। अरे बोस, हथियारों की बात छोड़ो, वो तो पहुंच जाएंगे, पहले मुद्दे की बात सुनो। आज हमारे अड्डे पर 3 लोग आए थे और उन्होंने कम से कम 8-10 हथियारों की पेटियों का ऑर्डर दिया है। आज तक इतना बड़ा ऑर्डर पूरे मीरामार में किसी ने नहीं दिया है। मुझे थोड़ा गड़बड़ लगी तो सोचा कि आपको बता दूं। अच्छा तो ये बात है, लगता है कि ये तीनों वही होंगे जिन्होंने कातिया बाई के अड्डे पे हमला किया था और हमारी मोना को भी मार दिया था, और अब ये शायद दूसरे हमले की तैयारी कर रहे हैं। डक चिक्की आओ, डा डा डा, ये लोग सच में बहुत शातिर हैं, उससे पहले कि हम लोग उन पे हमला करें वो खुद हम पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं शायद। आओ पर बोस, है कौन ये लोग जिन्होंने कातिया बोस के अड्डे पे हमला किया और मोना मैडम को भी मार दिया? इनके कारनामे सुन के तो नहीं लगता कि ये कोई आम इंसान है। अरे ब्रोकर, सबका इलाज है हमारे पास, उनकी चिंता तू मत कर, तूने बहुत अच्छा किया हमें बता दिया इस बारे में, अब उनको अपने जाल में फंसाना और भी आसान हो गया है। आओ डक झिक डक झिक डा। पर वो कैसे बोस, अगर उन लोगों को हथियार मिल गए तब तो वो और भी ताकतवर हो जाएंगे। आओ, ताकतवर तब होंगे जब हम उन्हें हथियार देंगे। डक चिक डक चिक डा। पर बोस, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम उन्हें हथियार नहीं देंगे तो वो समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ है, और कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी ही बेटी बना दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा ब्रोकर, हम उनको हथियार जरूर देंगे पर वो हथियार नकली होंगे, और जब हम उन पे हमला करेंगे तब उनके हथियार काम नहीं करेंगे और फिर हम उन तीनों को पकड़ लेंगे। आओ डक चिक डक चिक डा। वाह केकड़ा बोस, वाह क्या दिमाग लगाया है आपने। पर मेरा इनाम कहाँ है, मेरा इनाम कहाँ है जी? मैंने इतनी बड़ी खबर आप तक पहुंचाई, उसका इनाम मुझे मिलना चाहिए। तुझे तेरा इनाम मिल जाएगा ब्रोकर, तू बस इसी तरह हमें पूरे मीरामार की सारी खबर हमको देता रहा कर। डक चिक डक चिक डा। अबे साले, इस ब्रोकर ने तो हमें 2 गन पकड़ा दी और आधे यूसी भी ले लिए, पता नहीं साला कल तक हमारे हथियार भिजवाएगा भी या नहीं, मुझे तो उस पर यकीन कम ही हो रहा है। अबे साले गोपर, उस ब्रोकर ने बोला तो है ना कि कल तक हमारे हथियार हमारे अड्डे पर पहुंच जाएंगे, तो तू इतना उतावला क्यों हो रहा है? अरे पता नहीं भाई, पर ना जाने क्यों मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अबे अजीब अजीब तू छोड़, हमने तो साड़े ये गन चलाकर भी नहीं देखी, कहीं उस ब्रोकर के बच्चे ने हमें खिलौने तो नहीं पकड़ा दिए कच्चा फाड़ के। अबे हाँ बे, वो तो तू सही कह रहा है, हमने तो ये गन चलाकर भी नहीं देखी। अबे मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। नहीं भाई तू रहने दे, तू अपने आइडियाज तू अपने पास ही रख। अरे भाई एक बार सुन तो ले, तुझे सुन के मजा आ जाएगा, और वैसे भी काफी टाइम हो गया, हमने बुड्ढे के मजे भी नहीं लिए। अरे ऐसा है क्या गोबर, फिर तो जल्दी से बता यार, मजा आ जाएगा। अबे अबे राम जादो, मेरी पेटी बनाने का इरादा है क्या? अबे बुड्ढे तेरी पेटी नहीं, तेरे को तो आज बसंती बनाने का इरादा है कच्चा फाड़ के। बसंती? कैसी बसंती? लो तो फिर अभी बता देते हैं, क्यों रे गोबर? अरे राम जादू, ये खिलौने कहाँ से उठा लाए?
अबे टेलर, कहीं ये सच में खिलौने ही तो नहीं है? मुझे तो वैसे भी पहले से ही शक हो रहा था। अबे ऐसा है क्या? रुक, अभी चेक कर लेते हैं कच्चा फाड़ के। अरे हराम जादो, ये साली असली गन कहाँ से उठा लाए? इसको दूर रखो बे। अबे टेलर, बुड्ढा चिल्ला रहा है, इसका मतलब ये तो असली गन है बे। बुड्ढा ऐसे ही फालतू में नहीं चिल्लाता। चल बे टेलर, फिर बजा दे गाना। अबे सालो, ये क्या कर रहे हो? अबे बुड्ढे, उछलना बंद कर और नाच के दिखा, वरना तेरी आज यही पेटी बना देंगे। अच्छा फाड़ के। अबे सालो, किस जन्म का बदला ले रहे हो? इस उम्र में तो सही से कमर भी नहीं हिलाई जाती, तुम नाचने की बात कर रहे हो? अबे जल्दी नाच बुड्ढे। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया। अरे ये यहाँ क्या चल रहा है? रुको तुम लोग अभी। अरे सरकार, हमें ब्रोकर बॉस ने भेजा है, हम लोग आपके लिए हथियार लेकर आए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। अरे क्या बात है यार, तुम लोगों ने तो हथियार टाइम पे पहुंचा दिए। नाइस नाइस नाइस। जी सरकार, हमारे ब्रोकर बॉस अपनी जुबान के पक्के हैं, आपको आज सुबह तक का टाइम दिया था और देखो आपके हथियार आपके सामने है, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो हथियार पूरे है कि नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस ये सारी पेटियां अंदर रखवा दो, हम बाद में देख लेंगे इनको। ओके ठीक है सरकार, अभी रखवा देते हैं। अरे चलो ये तो बढ़िया हो गया, हमारे हथियार भी टाइम से आ गए, अब अगर उन्होंने गलती से भी हम पर हमला कर दिया तो उनकी गोभी खुदनी तो पक्की है कच्चा फाड़ के। अब बात बराबर हुई ना, अब मुकाबला बराबरी का होगा। और वैसे भी अब तो कहानी क्लाइमैक्स में पहुंचने वाली है, तो एक्शन तो बनता ही है। अबे सही कहा बे गोबर, अब होगा मिरमारपुर का असली एक्शन कच्चा फाड़ के। मालिक 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 मालिक, केकड़ा बोस की जय हो, केकड़ा बोस की जय हो, मालिक मालिक केकड़ा की जय। गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, गन्ना चूस के आगे भी ऐसे पार्ट आते रहेंगे।